बोलिए, 5:10 हाइकिंग शुरू हो रहा है। घोड़लत्ता से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं महावीर मंडा। अशोक है पीछे सामान लिए, दिखी लालू पसंद है और उसको तो है जो हमें बात सारे हमारे मार्गदर्शक और हमारे सबसे अनुभवी दादा वाला पहाड़ कौन सा पता है सर? कुर्रा पहाड़। पीछे है डाइन ढेकला पहाड़, उसके पीछे डाइन ढेकला। आप लोगों का देखिए उधर है वो वाला छोटा, हाँ डाइन ढेकला है वाला। हम लोग चल रहे हैं ऊपर, वहाँ के महावीर मंडा। अच्छा वो नीचे घोर लता से यहाँ भी आओ रही है। अब रास्ते के बंद कर रही है, ऐसे बना ले नहीं तो रास्ता में सुखो मन के दे देना चाहिए। ठीक है जिंदगी हमेशा ले करल चीज जिंदगी। चलो चलो अपने आगे चलो तो जगह ना अशोक रखा था यहाँ पे। हम लोग पानी भर रहे हैं आगे का हाइकिंग के लिए। प्राकृतिक जल है, स्प्रिंग वाटर, काफी मीठा। सनराइज हो रहा है, आसमान साफ तो हो गया, बारिश हुई थी हल्की अभी। ठीक पार्टी के अभी किस साइड बढ़ रहे हैं हम लोग? हम ऊपर जा रहे हैं अभी, आसम आसम जा रहे हैं। पहले पहाड़ के सबसे ऊपर पहुंचने की कोशिश में है, वहां से डोंगी का पानी का स्रोत में हम लोग पहुंचेंगे। 66 साल के तो हमारे साथ भी तेज तो थोड़ा हमारे हमारे साथ हमेशा से थोड़ा ही देखें। ऑलमोस्ट पहाड़ के ऊपर पहुंचने वाले हैं बाबा आश्रम से। यहाँ से स्काईलाइन नजर आ रहा है माउंटेन रेंज का।
बिना बैटरी कितना किलोमीटर ऊपर चढ़े थे बाबा जी? हाफ किलोमीटर, इसीलिए कृपा रुकी हुई है। 2 किलोमीटर लगातार जो है कृपा आई। डाइन ढेकला ये सामने क्लिप के टॉप में चल रहा है। हाँ, सो आम पेड़ जो है उसके नीचे पानी रहता है, चांद पानी, जाम पानी। उसका बगल में तो हाथी जीरा दाम है बोलते। क्या जगह का नाम हो गया उसका? हाथी जीरा। सिंगल लगता है छत्तीसगढ़ तक गया हुआ ये रेंज। विक्रम चढ़ाओ तो हर्षवर्धन दा अपने घर ले दम तब नहीं। अरे वाला टिप्पू देखना है, जाम पानी और हाथी गिरा और यहाँ से हम लोग गिर दिया था। आश्रम से आगे बढ़ते हुए ताल पोखरा जा रहे हैं, मतलब पहाड़ की चोटी पे ऑलमोस्ट। पानी कहा है बसाई में तो भेज दे नहीं सबर से पानी ही असल में नीचा है गाड़ा सबर सुतरत हमारी तरह है पहाड़ पोखरा बात कहाँ पर भी नहा खाई गला कोई तो सोता सूखला कोई अपन भी सोता हुई है तो माटी देख के लागत थी माटी सब
कितने वाला माटी घरल दे हमरे आ रही लोहार उतरे एक बेरा मारलक पानी पानी से भी उतरे वीडियो ले रहे हैं दोहरा बाद में घोरा रहे हैं ना लंबे होने की कोशिश कर रहे हैं जो कि असफल है उम्र बीत चुका है अब तो धंधा यहाँ रोज आते थे इसका परिणाम है आज ऐसे ही लटक के सोए रहते हैं जल का स्रोत ऐसे पहाड़ की चोटी में देख रहे हैं आप कितना फिट हो भाई मतलब हाँ लगभग 25 फिट पच्चीस से तीस फिट है पानी है हम लोग पहाड़ के ऊपर हैं पहाड़ की चोटी में काम हो जा रहा है काम चल रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काफी सक्रिय तालाब का जीर्णोद्धार हो रहा है क्या वृक्ष है यहाँ से कितना तगड़ा होता है पिड़ार इसके फल को सब्जी खाते हैं हरियाला भी वही है पिड़ार का फूल इसके फल का सब्जी खाते हैं स्थानीय निवासी ये बंदर लौरी का फूल है नीचे भी दिखा दो कितना बड़ा पेड़ आदमी को दिखाओ तो मालूम चलेगा ना हमारे दादा कमेंट करते हुए मैं इस अपार जन समूह को भी दिखाता हूँ पहाड़ की चोटी पर टाइम 6:30 और हम लोग अभी मड़वा लता की ओर जाते हुए पहाड़ की ऊंची चोटी पर चल रहे हैं ये घना वन देख रहे हैं जो काफी मात्रा में सखुआ का पेड़ सघन वन से हम खुले में निकल आए हैं बादल भी किया हुआ है इसीलिए मौसम भी हमारा साथ देते हुए वो आपको आगे जाना पड़ेगा इस जगह का नाम है कि आपको क्या लगता है कितना जमीन से हम लोग ऊपर होंगे एक नाथ दम ज्यादा नहीं 2500 फीट 2500 2 से 2500 फीट की ऊंचाई पर हम तल से अभी इस पर्वत श्रृंखला की चोटी पर हैं आप आस पास के क्षेत्रों को देख के समझ सकते हैं ये श्रृंखला कितनी बड़ी है इस जगह का नाम स्थानीय निवासी और हमारे मार्गदर्शक बता रहे हैं डहूगढ़ा क्या बताए वाला
बालकोट का पहाड़ जहाँ अंत होता है, हाँ ये डायरेक्शन है, उस पहाड़ के पश्चिम से एक पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ की तरफ चलती है, जो बालकोट पहाड़ को ऐसे देखने से पता नहीं चलता कि ये किसी श्रृंखला का भाग है, लेकिन पहाड़ के ऊपर आने से ये पता चलता है कि बालकोट पहाड़ एक पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है, एक पर्वत श्रृंखला का एक अंतिम छोर है। यह पर्वत श्रृंखला बालकोट पहाड़ के पश्चिम से होते हुए लगभग छत्तीसगढ़ तक चली जाती है, और इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि बालकोट पहाड़ एक पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। हम लोगों ने दक्षिण की तरफ से यहाँ इस स्थान पे चढ़ाई की है, ये करीब 2,500 फीट ऊपर हैं हम लोग, और हम लोग जो बालकोट पहाड़ को आमतौर पर देखते हैं वो पूरब की ओर से देखते हैं। यहाँ हम लोगों ने दक्षिण की तरफ से चढ़ाई की है और अभी लगभग पहाड़ की चोटी पर हैं, और हम लोग अभी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं। हम लोगों ने बालकोट पहाड़ के ऊपर बने हुए पंपापुर आश्रम का दर्शन करते हुए अब हम लोग मड़वा लत्ता की तरफ जा रहे हैं। बालकोट पहाड़ को हम लोगों ने दक्षिण से बालकोट पहाड़ के ऊपर हम लोग दक्षिण की ओर से चढ़े और दक्षिण से हम उत्तर की ओर जा रहे हैं। अभी हमारा अभियान जारी। ये बाबा जो आप देख रहे हैं ब्लू टी शर्ट पहने हुए, ब्लू जीन्स पहन के, ये तपस्या करने के लिए वहाँ चढ़े हैं, लेकिन उनके कोई भक्त नजर नहीं आ रहे हैं। इसी के लिए वो सोच रहे हैं कि तपस्या में बैठे कि नहीं बैठे। विक्की बाबा कैसा लग रहा है आपको वहाँ ऊपर? हम लोग थोड़ा डिसेंट कर रहे हैं, जंगल घना होते जा रहा है, देखना ही जब पत्ता करने से अशोक गायब हो गया है। अच्छा आ रहा है, पेड़ पौधे के रबर लगती का हर चिपचिपा है। वीडियो बना बन रहा है, चालू है वीडियो। और चलो मार्गदर्शक तो बोलिए, बोलेगा कुछ ऑटो हम लोगों को जड़ी है, जड़ी तो कहते हैं, कोयल खोसा बोलते हैं, चप्पो चप्पो रहता है कोयल खोसा। जितना मैंने दर्द काम करेगा, दर्द का ये दवा बता रहे हैं, पेट दर्द में काम करेगा। ये पहाड़ कोयल खोसा हमने देखा, चलो गाड़ी वाला चलो। जहाँ में है नारे में देखिए छोटे जाम, हाँ कहाँ है जामुन का पेड़। ट्रैक एज आवर गाइड, किसी भी स्टॉक काम देता जा रहे हैं।
दक्षिण से चढ़ाई करके उत्तर की ओर जा रहे थे। अभी तो हम लोग खैर पहाड़ का ऊपर का वो पकड़ के चल रहे हैं, पहाड़ चट्टानों और वृक्षों झाड़ियों के बीच आश्रम से जो उन्होंने चढ़ाई की। पहाड़ नॉर्थ टू साउथ है। अरे मोर का आवाज है क्या? हाँ हाँ, मोर का आवाज आ रहा है हम लोग। मोर का भी आवाज तो सुन रहे हैं, कितना सही तो देख ही लेंगे। बढ़िया जगह, ऐसे जगह जा रहे हैं हमारे मार्गदर्शक लेके जा रहे हैं, जो काफी जगह लोगों को कम जानकारियां है इस क्षेत्र के बारे में जहाँ हमें ले जाया जा रहा है। वाह कमेंटेटर साहब, एक पहले फोटो ले लो, फिर बाली और सुग्रीव का युद्ध इसी मुनि डेरा चट्टान के ऊपर हुआ था। यहाँ पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, पर जो लोग भी ऊपर चढ़ पाए हैं उन लोगों ने बताया है कि ऊपर में काफी अच्छी जगह है, समतल जगह है, समतल जगह है, युद्ध करने का पर्याप्त स्थान भी है। मुनि डेरा जोगी मुनि डेरा टुकू माड़ा। देखो अब बंद कर लो उसको, बंद कर लो। कहाँ पेड़ का चोटी में उसको फोकस करते हैं। कहाँ है जी, हमको नजर नहीं आ रहा। कौन जगह वो था, कौन था दिक्कत है ना, कौन जगह सुखल गच देखा थी पूरे एकदम हरियर लकड़ी का पेड़, वो ला सुखल वाला पेड़ मैंने ऐसे कैमरे में नहीं आएगा, वो एकदम छिपा हुआ है देखिए। हाँ मोर हल्का।